कैसा सवाल लग रहा है, इधर दिखा शक्ल, शक्ल दिखा, शक्ल दिखा। गाइस, हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है। आज सुबह तो मैंने जैकेट पहनी थी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, नमस्कार, सुप्रभात, कैसे हैं आप? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, कान्हा अभी तक तो सो के उठा नहीं है। गुड मॉर्निंग कान्हा, गुड मॉर्निंग। अभी 7 बज गए, ये लड़का उठा नहीं है अभी तक है। और कल से है स्कूल, कल 28 तारीख है, कल से स्कूल है और आज ही आए, छुट्टी अभी तक नहीं उठाए, जबकि 7 बजे ये रेडी हो जाता है, 7:15 बजे तक रेडी हो जाता है। नींद इतनी मीठी लग रही है, उठना नहीं है बच्चे, हैं? चलो उठ जाओ। Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard about what you wanna be. Step four. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be. So guys, मेरा काम हो गया है खत्म और टाइम हो गया है 10:45, 11 बजने वाले हैं। और अब हल्की हल्की ठंड चालू हो गई है भैया, अब सुबह जैकेट पहननी पड़ रही है, हल्की हल्की ठंड लग रही है। और शाम, मतलब जब धूप आ जा रही है ना, तो धूप को सेकने का मन कर रहा है। ठंडी ठंडी, यानी ठंडियाँ हो गई चालू, अब मुझे गर्मियों ठंडियों के कपड़े निकालने पड़ेंगे और गर्मियों के कपड़े संभालने पड़ेंगे, यानी कि जो कान्हा की शॉर्ट्स वगैरह, हाफ निक्कर वगैरह, वो सब संभालनी पड़ेंगी, फुल निकालनी पड़ेंगी। तो चलिए देखते हैं कब निकालते हैं। और कान्हा बैठा हुआ है पढ़ाई वढ़ाई करके, और खुशी बैठी है इस रूम में इधर, और कान्हा है उधर, और वो मुझे बोल रहा है मम्मी वो वाली मिठाई दे दो। कौन सी मिठाई बोला था बेटे तूने? फुसफुस मिठाई। फुसफुस मिठाई, मैं बताती हूँ आपको फुसफुस मिठाई कौन सी होती है। तो गाइस, ये है कान्हा की फुसफुस वाली मिठाई, यानी कि सोन पापड़ी। चलिए मैं इसको खोलती हूँ और इसको देती हूँ भाई। खुशी की रोटियां देखो फूलने लग गई है, एक्सपर्ट हो रही है खुशी धीरे धीरे, है ना खुशी? खुशी की एक रोटी बन गई है, डाल दे, वेरी नाइस, देखो कितनी अच्छी लग रही है, धीरे धीरे सीख जाएगी लड़की। रोटी बनाना तो आनी ही चाहिए भैया, अपने पेट पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा ये सब। चलो सो गाइस, टाइम हो गया 4, और आपको मैं बताती हूँ कि कान्हा और खुशी में हुआ था एक कॉम्पिटिशन, जो कि था एक गेम का कॉम्पिटिशन, जो कि आपको कान्हा के चैनल पे दिखाई देगा जब भी वो अपनी वीडियो डालेगा। उसके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका चैनल का लिंक है। सो गाइस, कान्हा और खुशी में हुआ था एक कॉम्पिटिशन जिसमें कान्हा गया हार, है ना भाई? कान्हा हार गया, खुशी गई है जीत। और अब इस कंपटीशन की जो पनिशमेंट थी, जो हारा इंसान है उसको खाना पड़ेगा एक रसगुल्ला जिसमें डाला जाएगा बहुत सारा नमक और सॉस। तो भाई कान्हा उसको खाएगा और खुशी खाएगी अपना मीठा वाला रसगुल्ला, क्योंकि हो गई जीत। सो गाइस, देखते हैं अब इनके रसगुल्ले का क्या होता है, कैसा कान्हा कैसा खाता है नमक वाला रसगुल्ला, आइए। तो गाइस, कान्हा खुशी अपने कंपटीशन में जो हारे थे भाई, उसकी तैयारी कर रहा है कान्हा, इसमें डालेगा नमक। अच्छा, सैंडविच बना के खा रहा
और ये देखो इसने कट कर लिए बेचारे ने, और खुशी खाएगी ये वाला रसगुल्ला, ये देखो। तो गाइस आप भी खा लो, मिठाई यहाँ पे रखी हुई है। भाई दिवाली खत्म हो चुकी है, 4-5 दिन हो गए हैं और मिठाई के डब्बे अभी पड़े हुए हैं अभी तक। ना सॉस निकालेंगे। तो भाई सॉस तो खत्म हो गया शायद, सॉस नहीं मेरे भाई, सॉस नहीं है, नमक डाल ले, नमक डाल ले, नमक निकालती हूँ मैं, रुक जा। तो गाइस हम निकाल रहे हैं नमक, तो ये है नमक और ये है रसगुल्ला। अब बताओ इन दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है, नमक और रसगुल्ले का? तो भाई आज कान्हा खाएगा नमक विद रसगुल्ला, क्योंकि उसको मिली है पनिशमेंट। पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। कल गाइस पेट खराब होगा मेरा सच में, इतना ही क्या होगा, हमारे की दो है। ओह शिट, कैसा सवाल लग रहा है, इधर दिखा शक्ल, शक्ल दिखा, शक्ल दिखा, कैसे लग रहा है स्वाद? सो गाइस काना का जो था खुशी का कंपटीशन का जो फाइनल था अभी वो हो चुका है। काना ने खा लिया नमक वाला रसगुल्ला और खुशी ने खाया मीठा वाला। हाँ कभी ट्राई मत करना, कभी ट्राई मत करना भाई, घर पे बहुत गंदा वाला टेस्ट होता है नमक और मीठा। तो ये काना चला गया अपने खेलने के लिए, ले जाना, खड़ी कर ले साइकिल, आ जा। अभी नमक खाया तो खाते हुए जा रहे हैं। अरे रुक जा भाई, इतनी भी ट्रेन नहीं छूट रही तेरी, आराम से। गाइस वो देखो सामने वाला पेड़ कट कर दिया है ये वाला, शायद इसको भी करेंगे, सर्दियों में कर देते हैं ना, कटिंग कर देते हैं फिर अच्छा सा खिल के आता है। अभी फिर ये तो इसकी पत्तियां झड़ती रहेंगी, इसको भी कटिंग करेंगे, जैसे वो काट दिया ना वैसे ये वाला काटेंगे। से गाइस जो हमारे साथ वाला प्लॉट है ना, ये हमारा घर है, साथ वाला प्लॉट है, इसमें पहले कैसे झाड़ वाड़ था ना, अब सब कटिंग करके यहाँ पे उपले पाथ रहे हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, साफ सुथरा। इसे देखो यहाँ पे सिंचाई कर रहे हैं ये भैया, इनका खेत है ना लौकी का, तो ये देखो पानी आ रहा है धीरे 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 धीरे, यहाँ पे सिंचाई कर रहे हैं ये, एक वहाँ पे एक यहाँ पे, ये देखो। कान्हा आ गया, कान्हा आ गया भाई। हीरो बनती तू, कान्हा क्या बदतमीजी है ये, गाइस टाइम हो गया 9:30 और खाना पीना हो चुका है। सो गाइस आज के व्लॉग मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो हमारे चैनल पे नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। सो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।